हर हर महादेव। देखिए हमारे पास में एक बहुत सुंदर प्रश्न आया हुआ है, वर्तमान में ये जो पाखंड चल रहा है इससे संबंधित है। नाम है निकुंज और ये व्रात्य क्षत्रिय हैं, आयु 24 वर्ष है, महाराष्ट्र से हैं। कह रहे हैं कृपया बताएं क्या देवी अथवा देवता का अपने भक्त के शरीर में आवेश अथवा सवारी आना ये सत्य है? कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता स्वयं आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता स्वयं ना आकर के उनके पार्षद इत्यादि आते हैं और वे शरीर में आकर के भविष्यवाणियां और ये सब बतलाते हैं, नाना प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करते हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये शास्त्रीय है? इसका कोई प्रमाण मिलता है? ये इनका प्रश्न है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण जब गीतोपदेश करने लगे गीतोपनिषद का, तब अर्जुन समझाते हुए न माने तो उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और अर्जुन से कहा कि देखो मुझको। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं निहार सकते हैं, तो दिव्य चक्षु मैं तुम्हें देता हूं। और भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब अर्जुन भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन कर पाए, अन्यथा वो दर्शन ही नहीं हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि वे मानव रूप में प्रकट हुए थे, मनुष्य, माया मनुष्यम हरिम, माया से मनुष्य बने हुए थे इसलिए लोग उनको देख रहे थे। लेकिन वे अपने वास्तविक स्वरूप में जब प्रकट हुए तो लोग नहीं देख पा रहे थे, और वो भी जिसको उन्होंने दिखलाया था, जिसको दिव्य चक्षु दिए, उन्होंने ही देख पाया। तो जो जितने भी हमारे देवता हैं वो सब दिव्य हैं, चाहे शिव जी हों, चाहे भगवती काली हों, चाहे भगवान श्री हरि नरसिंह हों या हनुमान जी हों, जो कि सदा शिव ही हैं। तो ऐसे देवता जो वराह आदि ये उग्र कहे गए हैं, इन देवताओं का भी दर्शन हर किसी को नहीं होगा। इनका कहां से दिव्यावेश हो सकता है? ये तो हाँ भूत प्रेत इत्यादि का जरूर होता है। और शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी भी देवता का आवेश किसी मनुष्य के शरीर में होता है। कहीं भी किसी भी पुराण सिद्धांत संहिता सदाचार संत किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, किसी भी शास्त्र में नहीं है कि भगवान का आवेश, भगवत तत्व का, पंचदेवों का, किसी का भी आवेश किसी के शरीर मनुष्य शरीर में होता हो। जिनकी भक्ति बड़ी उत्कृष्ट हुई, भक्ति करते करते जिनमें दिव्यता आई, उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिया। ऐसा नहीं है कि आकर के बार बार किसी ने प्रश्न पूछा हनुमान जी कान में बतलाया जाए, किसी ने कुछ पूछा कि भाई हमारा ऐसा हो जाएगा हनुमान जी आकर के कान में बतलाया जाए। ऐसा तो हनुमान जी को जो अवसर भगवान की राम जी की सेवा में नहीं मिला हुआ है, जो कि उनके प्राणनाथ हैं, कि बार बार आकर के हनुमान जी कान में हनुमान राम जी की जो है इस तरीके से परिचर्या करें। चलो करते हैं, वे राम जी के परम दास हैं और रामचंद्र जी का सब कुछ कार्य करते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों के दास बन जाएंगे कि बार बार वो हमारे कान में आकर के दूसरे का परिचय दें? क्या हनुमान जी डरते हैं? जो रावण की भरी सभा में नहीं डरे, वहां जाकर के उन्होंने वो राघवेंद्र का वो दिव्य परिचय दिया और वे आकर के डर करके कान में आकर के तुम्हें बतलाएंगे? ये सब भ्रम है, सब भ्रम है, पाखंड है। चाहे हम करें और करें, कोई बाबा जी करें, पंडित करें, जो व्यक्ति करें, लोग करें, औरतें करें, सब का पाखंड है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमको आकर के रात्रि में या कोई दिव्य शक्ति आकर के बतला देती है, वे लोग सोचते रहते हैं अधिक और कुछ उल्टा सीधा सोच लिया और उसी को मान लेते हैं कि हमको कोई दिव्य शक्ति बतला दी। ऐसे लोग प्रायः मानस रोगी होते हैं और वे किसी डॉक्टर से मिलकर के अपना उपचार कराएं, इसी में उनका कल्याण है। ये मन की जो है एक तरीके की बीमारी है,
और कुछ लोग किसी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को सिद्ध करके उनकी गीता में लिखा हुआ ना भगवान के जो मेरा मेरा परिचर्या करते हैं मेरी आराधना करते हैं मद्याजिनोपी माम मेरे लोग के लिए जाते हैं और जो भूतों की परिचर्या करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं पितृलोकों के लिए वे जाते हैं जो पितरों का आराधन करते हैं तो इस तरीके से वे लोग वहां वहां जाते हैं। तो ये स्पष्ट है और सब लोग समझ लें कि ये कार्य केवल भूत प्रेत करते हैं और उनकी बाद में यही गति होती है और वर्तमान में भी हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वे वर्तमान में भी भूत ही मानो उनको क्योंकि सदाचार नहीं सदग्रंथों का जीवन में प्रवेश नहीं और सदबुद्धि नहीं लोगों को केवल ठगने का कार्य करते हैं तो ऐसे लोग तो भूतों से भी बदतर हैं। तो इस स्थिति में बात यही है कि किसी भी भगवत कोटि देवता का या देवी का समावेश किसी के शरीर में नहीं होता है ये तो केवल भ्रम है और यदि कोई कुछ बात बतला देता है कुछ करता है तो ये है भूतों प्रेतों और जिन्नों तथा ये जो योगिनी इत्यादि की चर्चा भैरव इत्यादि कई कोटि के भैरव हैं मुख्य भैरव तो वे तो भगवान शिव के ही स्वरूप हैं उनकी ये स्थिति है कि वे सब ऐसा बतलाते रहते हैं और लोगों को लगता है कि ये सब है और हमारी इच्छा पूर्ति हो गई ये सब हो गया। स्कंद पुराण में वैशाख महात्म्य में ये सब बतलाया गया है कि ऐसे भूत प्रेत आकर के ये सब बैठ जाते हैं इधर उधर मूर्तियों में बैठ जाते हैं घर में बैठ जाते हैं और लोगों की कुछ इच्छाएं भी पूर्ति कर देते हैं छोटी मोटी तो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा सिद्ध हो गया ये सब हो गया ये सब बतला दिया ये सब कर दिया अन्यथा ये सब अशास्त्रीय कृत्य है शास्त्रों में ये करने के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया है इसलिए इससे बचें और अपने वर्णाश्रम धर्म पर ही अडिग रहें और वही आपका लौकिक और पारलौकिक ऐहिक तथा आमुष्मिक माने यहां और मरने के बाद वही साथ ही रहेगा ये कोई भी साथ जाने वाले नहीं है इसलिए धर्म को मत छोड़िए सनातन धर्म का पालन करिए ऐसे इन लोगों के चक्कर में पड़ करके सब जो है वर्णाश्रम धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो ऐसे लोगों से सावधान। हर हर महादेव।